हेलो एवरी वन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आज हम अपने सारथी सीरीज का इंडियन पॉलिटिक सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे डेट इज स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर के साथ हम एक गवर्नर वाले पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे बिकॉज अभी तक हमने प्रेजिडेंट टॉपिक कर चुके हैं तो अगर आपको प्रेजिडेंट टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है तो गवर्नर को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्लस

एंड एज यू ऑल सेट की सर हमें पी डी एफ फाइल नहीं मिल रही है तो आपको आई होप अब सारी पीडीएफ फाइल्स मिल गई होंगी एंड स्टिल अभी जो भी बच्चा न्यू एड हो रहा है तो हमारी ओ टू आई एस अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन है आप वहां जाकर हमारे सारे जितने भी लेक्चर्स है उनकी पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay? सो so, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टेट लेजिस्लेचर वाला पार्ट जिसमें हम करेंगे पहले, स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट जैसे गवर्नर जिसे हमने

और इनके इक्विलेंट हमारे पास स्टेट में हमारे पास आ जाएंगे चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जी के साथ क्वाइट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे एंड जैसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल आ जाएंगे अटॉर्नी जनरल सरकार के वकील यूनियन गवर्नमेंट ठीक है एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के वकील चीफ मिनिस्टर के तरीके से जो भी स्टेट गवर्नमेंट का केस होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट जनरल आगे होंगे प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस बट एक पॉइंट है यहां पर लाइक वी डेट प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट के लिए तो हमने देखा कि 2018 में एनटी के में क्वेश्चन भी आ रखा है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से बाउंड है बट गवर्नर इज नॉट ठीक है तो आज हम पहले गवर्नर टॉपिक करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से टॉपिक है जैसे हमने को किया था, प्राइम मिनिस्टर हमने देखा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चीफ मिनिस्टर हमारे पास एमएलए है ऑन द सेम लाइन जैसे यूनियन गवर्नमेंट में किया था वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में हम करेंगे सो हेर कम्स टॉपिक द गवर्नर पार्ट थ्री ऑफ द चैप्टर थ्री ऑफ पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर अभी तक हम पार्ट वन कर चुके हैं यूनियन एंड इस टेरेटरी पार्ट टू सिटीजनशिप पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट पार्ट फोर डीपीएसपी पार्ट फोर ए फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट फाइव यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट सिक्स नाउ द स्टेट वन ठीक पार्ट सिक्स हमारे पास आ गया स्टेट के पास आ गया इट कम स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट ठीक है स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते एडवोकेट जनरल नाउ द पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट एट अ स्टेट लेवल इज सिर टू डेट ऑफ दूनियन लेवल वेयर एक्जीक्यूटिव हेड इज अंस्टिट्यूशनल रूलर ठीक है जैसे हमारे यहाँ पर जब हमने यूनियन किया था तो प्रेसिडेंट के हमने क्या किया था

द रियल हेड इन द स्टेट गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर बट एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट विल बी टेकन ऑन द नेम ऑफ गवर्नर ऑन द सेम लाइन प्रेजिडेंट इन केस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सो कई बार रबर स्टैम्प भी बोला गया है बिकॉज बस खाली साइन करने हैं उनको बिकॉज एक्शन तो ऑलरेडी ले, ले लिया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर जैसा प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं उसके बाद वैसे ही उन्हें करना पड़ेगा बट एज फार एज क्वेश्चन क्वेश्चन कंसर्न बिकॉज में आप ये नहीं लिख सकते तो वहां पर नॉमिनल हेड आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आएगा एग्जीक्यूटिव हेड आएगा तो यूनियन लेवल पर आप प्रेजिडेंट आंसर देंगे एंड स्टेट लेवल पर आप गवर्नर देंगे बट द रियल हेड एट द देंटर लेवल द प्राइम मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर सो नाउ स्टेट को अब हमने किया पहले तो हम स्टेट की डेफिनेशन कौन से में थी आर्टिकल नंबर ट्वेल्व और हमने डी पी एस पी में कहा था आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स

कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंटेंट मिनिस्ट्री एंड चीफ मिनिस्टर की सेम लाइन जैसे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं एंड जैसे हमने पार्लियामेंट वाले सेशन में किया था कि ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा बिकॉज सरकार कहां पर जाएगी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पर आएगा लोकसभा में ऑन द सेम लाइन यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और दो अगर आप कहो कि सर 28 स्टेट्स हैं तो ट्वेंटी में से हमारे पास सिक्स स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उन स्टेट्स के लिए मैं कह रहा हूं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली सरकार कहां पर जाएगी विधानसभा

फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना सिक्स स्टेट सेवन जो था जम्मू एंड कश्मीर वहां से एबॉलिश कर दिया गया ठीक है उसके बाद जुडिशरी हमारे पास हाई कोर्ट जैसे हमने वहां पर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे आ जाते हो अब एक सवाल है जो हम जुडिशरी में करेंगे बट अभी हम जुडिशरी एकदम से ये टॉपिक आया तो अभी हमारे पास हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारे पास हाई कोर्ट उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब हाईएस्ट आप अपील करके कहां जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बट बिफोर इंडिपेंडेंस अगर क्वेश्चन आ जाए तो इससे भी पहले हमारे पास प्रीवी काउंसिल होती थी प्रीवी काउंसिल लंडन में होती थी तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चैलेंज करने के लिए आपको लंडन में प्रीवी काउंसिल में ही चैलेंज करना पड़ता था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बट पोस्ट इंडिपेंडेंस क्वार ऑब्वियस

फर्स्ट इज यूनि मतलब वन ठीक है जैसे आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में यूनिकास्ट एक जगह पर मैसेज जा रहा है ठीक है मल्टी कास्ट मल्टीपल लगाओ पे ब्रॉडकास्ट भाई सब जगह पे मैसेज चला गया यूनिकास्ट हैविंग अ सिंगल हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक ठीक है। है, स्ट्रक्चर जहां पर दो हमारे पास हाउसेस होंगे असेंबली, विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान, विधान परिषद हमने वो छह स्टेट अभी कर लिए बिहार कर्नाटक। यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ती ज्यादा सिक्स स्टेट विच आर हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो एंड जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक में किया था कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम इदर ऑफ द हाउस लोकसभा से और राज्यसभा से भी आ सकते हैं अभी तक हमने पढ़ा था कि चार प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से इलेक्टो कराए हैं उसमें नंबर वन इज इंदिरा गांधी देन एचडी देवेगाडा देन आईके गुजराल देन मनमोहन सिंह ये चार अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स राज्यसभा से आए हैं ठीक है ऑन द सेम लाइन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है वो भी किसी भी हाउस से हो सकता है असेंबली से भी काउंसिल से भी तो काउंसिल से अभी एट प्रेजेंट आपका अगर मैं एग्जाम्पल दू तो योगी आदित्यनाथ जी है ठीक है तो वो किसी भी हाउस से आ सकते हैं बिकॉज योगी आदित्यनाथ जी इससे पहले एमपी थे गोरखपुर से एंड उसके बाद जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो वो सीट खाली हुई हमने लास्ट उस क्लास में ये भी डिस्कस किया था जो सीट खाली होगी उसमें बाइपोल्स इलेक्शन होंगे ठीक है बाइपोल्स और इस बार तो योगी आदित्यनाथ जी खुद ही एमएलए के लिए खड़े हो गए हैं गोरखपुर से नाउ अपॉइंटमेंट एंड द टेन्योर हु अपॉइंट्स द गवर्नर ठीक है गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड हेड एंड द द ऑफ स्टेट मेक श्योर राष्ट्रपति जी इलेक्ट हो रहे हैं ठीक है राष्ट्रपति जी इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं बट हेयर गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कई जगह पर लिखा हुआ गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज हमने किया था आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी फाइव आर्टिकल नंबर रूल कई बार अपने पे भी भी खुद से राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं एंड डिपेंडिंग रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑल्सो जो गवर्नर उनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट में खराब हो गई है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट इंपोज कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड 365 नंबर टू गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट क्वॉट ऑफिस इज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड इलेक्टेड होंगे तो बहुत खर्चा होगा ये पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब अब जब भी आपको पता हो प्लेजर मतलब सरकार राष्ट्रपति जी ये खुद नहीं हटा रहे उन्हें राष्ट्रपति जी के तो साइन होंगे खाली वहां पर जब सरकार चाह रही है उन्हें हटा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिजाइन सबमिटिंग टू द ट वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर अदरवाइज द नॉर्मल टर्म इज द दस बाई नॉर्मली फाइव ईयर होते हैं एंड एक यहाँ पर एक सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स फॉर एग्जांपल आपने देखा हो बाय कन्वेंशन पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है बट बाय कन्वेंशन जो भी यहां पर पंजाब में गवर्नर होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट पंजाब के गवर्नर भी होंगे ठीक है हरियाणा की अभी आपने देखा डिफरेंट गवर्नर है और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर सेम होंगे ठीक है नाउ नेक्स्ट वन द ग्राउंड फॉर द रिमूवल आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन किस ग्राउंड्स पे करने हैं ये मेंशन नहीं है ये आप देखते हैं कि बार बार हमने देखा कि इन द एटी नाइन ऑल्सो 89 का मैंने नाम क्यों दिया बिकॉज उस टाइम पे कोईलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी कोयलिशियन गवर्नमेंट मिलजुल के सरकार जब किसी एक पार्टी की मेजोरिटी मेजोरिटी नहीं आई है तो मिलजुल के सरकार बनती है इज कॉल्ड गवर्नमेंट तो हमने देखा कि जब भी पार्टी चेंज होती है मान लो कि आज 2024 में गवर्नर आज आप मान लो कि बीजेपी की जगह कोई और पार्टी आ गई तो आते क्या कोशिश करेगी जो ऑलरेडी गवर्नर्स लगाए हुए हैं बीजेपी के उनको हटाया जाए क्योंकि कोई ग्राउंड्स नहीं दे रखे हैं कि किन ग्राउंड्स पे गवर्नर को हटाया जा सकता है

हमने पांच तरीके पढ़े थे कि पांच तरीके से सिटीजनशिप मिलती है तो राष्ट्रपति जी वाले केस में हमने किया था कि बाय बर्थ या बाय नेचुरलाइजेशन दोनों में से कोई भी अगर तरीके से सिटीजनशिप मिली है तो वो राष्ट्रपति जी के लिए खड़े हो सकते हैं नेचुरलाइजेशन में हमने एग्जांपल किया था अदनाम सामी जी का बट इन केस ऑफ यूएसए खाली बाय बर्थ ही राष्ट्रपति जी के लिए खड़ा हो सकता है कोई भी इंसान ठीक है थर्टी फाइव ऑफ एज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है ना तो वो एम होने चाहिए ना ही वो एम होने चाहिए अगर वो है तो उनको वहां से रिजाइन देना पड़ेगा उसके बाद ही वो गवर्नर बन सकते हैं नाउ नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मैंने आपको जया बच्चन जी का केस बताया था कोई भी ऐसे सरकारी दफ्तर से उनको और तनख्वाह ना आ रही हो ठीक है उसमें कुछ एक्सेप्शन है फॉर एग्जाम्पल अ मिनिस्टर अगर ठीक है पैसे पार्लियामेंट बाय लॉ जितने भी इनको पैसे मिलने हैं अलाउंसेस मिलने हैं क्या प्रेवलेजेस मिलने हैं पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू वहां पर बताएगा कि क्या क्या उनको फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी ठीक है इसके अलावा दो कन्वेंशन यूज करी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल की अ गवर्नर मस्ट भी फ्रॉम द आउटसाइड स्टेट फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में मान लो कोई गवर्नर लगा रहे हैं तो वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग नहीं करने चाहिए ये कन्वेंशन है नंबर वन नंबर ये कहा हिमाचल प्रदेश में गवर्नर लगा रहे हैं तो भाई यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जिसे ठाकुर पहले पूछा जाए उनको एक कंसर्न जैसे उनसे कंसर्न किया जाए कि भाई सो so डैड उन दोनों के बीच में इकोर्डियल रिलेशन बना रहे एंड वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ढंग से चलती रहे तो वहां पर जो कंसर्न स्टेट का चीफ मिनिस्टर होंगे उनसे यहां पर एक डिस्कशन की गवर्नर है ऑल दो ये कन्वेंशन मल्टीपल टाइम्स यहां पर वायलेट की गई है इट इज नॉट कंपल्सरी मानना ही मानना है बट ये कन्वेंशन दी गई है टू अ गुड रिलेशन बिटवीन अ चीफ मिनिस्टर एंड अ गवर्नर नाउ Are on fund of India, CFI हमने किया था जहां पर हमारा -सारा पैसा जा रहा है जो भी हम टैक्स भरते हैं कुछ भी तो सारा एक गुल्लक सरकार का क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अब इसमें एक होता है मेड फ्रॉम भाई इसमें से पैसे निकाल रहे हैं एक होता है चार्ज ऑन चार्ज ऑन वो चीज है जिसके ऊपर वोटिंग नहीं करी जा सकती पार्लियामेंट में जैसे अभी बजट तेरह मार्च को जब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा बजट का सेकेंड हाफ ऑफ दीजों पर हमने करोटिंग हो गई बट जो चीजें फॉर एग्जाम्पल गवर्नर भाई कल को गवर्नर कोई अगेंस्ट एक्शन ले ले सरकार के तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तनख्वाह काटने स्टार्ट कर दे तो डेट मीन चार्ज ऑन कौन सी चीजें होती है जिसके ऊपर वोटिंग नहीं कराया जा सकती फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी पेंशन अलाउंसेस भाई ये नहीं कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ एंटी वो वो कर दी जजमेंट तो आप उसकी तनखा काट दो। सो इफ अ सेम पर्सन इज ऑफ टू और मोर स्टेट्स तो किस प्रपोर्शन में अब उसकी सैलरी को डिटरमिन करना है वो प्रेसिडेंट डिटरमिन करते हैं अगर सिंगल स्टेट है तो पार्लियामेंट बाय लॉ जो हमने लास्ट बार किया उसमें पार्लियामेंट बाय लॉ होगा बट अगर दो स्टेट से ज्यादा है एक या एक से ज्यादा स्टेट है तो प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे नॉन वोटेबल पार्ट नाउन आर्टिकल नंबर वन फिफ्टी नाइन इट्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल ठीक है गवर्नर दिस्टार्ड द फंक्शन टेक एन oath before chief justice of the state concerned. ठीक है कंसर्न स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको ओ दिलाएंगे अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट अवेलेबल ऑन द सेम लाइन जैसे हमने किया था प्रेजिडेंट को सी दिलवाते थे एनसीजीआई नहीं होते थे तो सीनियर मोस्ट जज सेम लाइंस पे गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कंसर्न नाउर इज अ पॉइंट कि मान लो कि वैक्यूम क्रिएट हो गया भाई प्रेसिडेंट नहीं थे तो हमने देखा था कि बन जाते थे, नहीं है तो चीफ जस्टिस बन जाते थे वाइस प्रेसिडेंट है के लिए बन थे, प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट. तो यहां पर जस्ट कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कंसर्न उनको गवर्नर बना दिया जाएगा ठीक है ऑल अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है बट यहां पर जरूरी नहीं है कि बनाए ही बनाए एक कन्वेंशन दे दी, दी गई है कि चीफ जस्टिस को बनाया जा सकता है बट अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है क्लियर बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम विल बिकम दर प्रेसिडेंट बट फॉर द मैक्सिमम सिक्स मंथ्स क्लियर नाउ एग्जीक्यूटिव पार ऑफ द गवर्नर ठीक है आर्टिकल नंबर 166 जैसे यूनियन गवर्नमेंट में सारी की सारी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के हाथ में थी यहां पर सारी की सारी पार्स गवर्नर के हाथ में होंगी स्टेट गवर्नमेंट की ठीक है नाउ ही हैज पावर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट दैट गवर्नमेंट कैनोट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विदविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जो हमने किया था 356, 365. That is, जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो गई है जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है मैल मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है तो उस टाइम पर गवर्नर रिपोर्ट दे सकता है प्रेसिडेंट को कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए जम्मू कश्मीर को अपने लास्ट टाइम देखा था पांच अगस्त 2019 से पहले कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया जब मलिक जी ने वहां पर रिपोर्ट भेजी सेंटर को कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं बिल्कुल खराब हो चुके हैं मशीनरी खराब हो चुकी है तो यहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ऑल दो तो जम्मू कश्मीर में तो पहले गवर्नर रूल लगता था एज पर द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगता था था बट अब वो सेम है एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया जो था रेस्ट ऑफ़ द स्टेट्स जो थे वहां पर डायरेक्टली लगता था राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, 365। बट नाउ वी हैव अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पूरे इंडिया में एक ही चलता है 356 एंड 365। नाउ ही चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट एंड अपॉइंट देर वाइस चांसलर्स जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है इसके इनके वो चांसलर होते हैं एंड फर्दर उसमें वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं अब सेम बात वही वो, वो खुद से अपॉइंट नहीं कर रहे हैं उनके पास नाम भेजा जाता है थ्रू द चीफ मिनिस्टर कि इस पर्टिकुलर बंदे को यहाँ का वाइस चांसलर बनाना है ठीक है सेंट्रल लेवल पर अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चांसलर एंड कुछ कुछ के एएमयू जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जेएनयू यहां पर स्पेशल यहां पर एक कमेटी बिठाई जाती है जैसे अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है जेएनयू की जो न्यू मैम आई है उनकी कुछ ट्वीट्स एक्सपोज हुई हैं ठीक है, आई थिंक कुछ शर्मा शर्मा करके नाम है का, तो उनको अभी नया वाइस चांसलर बनाया गया जेएनयू में तो वहां पर वो नहीं है, ठीक है जेएनयू एमयू अलीगढ़ मुस्लिम को। मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द गवर्नर जैसे वहां पर राष्ट्रपति जी करते थे चीफ मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कर रहा था राष्ट्रपति जी मिनिस्टर्स

आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रिमूवल तो राष्ट्रपति जी ये बहुत है this one. तो जितनी यहां पर अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करेंगे लेजिस्लेटिव पार जैसे हमने लेजिस्लेटिव पार्स करी थी अपने यहां पे प्रेसिडेंट वाले केस में सेम यहीं पर आएगी He is an integral part of the state legislature. For example, the uh, जैसे हमने पार्लियामेंट में किया था पार्लियामेंट consist of लोकसभा राज्यसभा and the president but president is not a member just a part. On the same lines, the governor is the part of the state legislature, not a member. Second, he summons the house to meet at such a time as he thinks fit. ठीक है जैसे अभी हमने राष्ट्रपति वज़ी uh, centre level पे करा था तीन session होंगे बजट session मॉनसून session winter session एक साल में मैक्सिमम गैप छह महीने का हो सकता है आता है lines, स्टेट में आता है। सेंटर पे गवर्नर करते हैं है। अब आपके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा ये लो हैंगिंग फ्रूट वाला टॉपिक हो जाएगा अब ये बिकॉज हम राष्ट्रपति जी को कर चुके हैं अच्छे से हाउसोल्व प्ररोक कब होता था सिनेडाई के बाद ठीक है मतलब जब यहां पर स्पीकर ने नहीं बताया कि दोबारा कब मिलना है दैट मींस इस सेशन का काम कंप्लीट हो चुका है तो उस टाइम पर गवर्नर प्ररोप कर देंगे सेंटर लेवल पर राष्ट्रपति जी कर देंगे ठीक है डिसॉल्व सरकार खत्म हो गई सरकार खत्म कब होती है या तो पांच साल के बाद ऑटोमेटिकली जैसे अभी पांच स्टेट्स में अभी इलेक्शन हो रहे हैं या पांच साल से पहले उस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पर आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा बिल आते हैं तो गवर्नर साहब के पास जैसे राष्ट्रपति जी के पास तीन पार थी यहां पर गवर्नर जी के पास चार पार है नंबर वन वो साइन कर दें अब बिल बिकम्स एन एक्ट एक्ट बन जाएगा नंबर टू रिजेक्ट कर दें उसे ठीक है इसे रिजेक्ट कर सकते हैं इसे विद होल्ड बोलते हैं नंबर थ्री जैसे राष्ट्रपति जी के पास था ये बिल को वापस रिकंसिडरेशन करने के लिए यहां पर स्टेट के के पास के पास भेज भेज दें दें असेंबली दोबारा से कि भाई आप इसको एक बार यहां पर दोबारा से रिकंसिडर कर लो नंबर फोर द इंपोर्टेंट पार कि वो राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिल और एक ऐसी कंडीशन है जहां पर उनके लिए कंपलसरी है कि उनको रिजर्व करना ही करना पड़ेगा ये कौन सी कंडीशन है इफ अ पर्टिकुलर बिल इन डेंजरशन ऑफ कोर्ट कोई ऐसा बिल आ रहा है जिससे की पोजिशन पे इन डेंजर हो रही है तो राष्ट्रपति जी के लिए बिल रिजर्व करना ही करना पड़ेगा क्लियर डिसाइड इिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्कालीफिकेशन इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन भाई कोई भी डिस्कालीफिकेशन से रिलेटेड केस है तो वहां पर वो इलेक्शन कमीशन से यहां पर डिस्कस करेंगे नाउ ऑर्डिनेंस मेकिंग पार जैसे आर्टिकल 123 में टेम्पर लॉ बनाने की प्रेसिडेंट के पास थी ऐसे 213 में यहां पर गवर्नर के पास है कब होगी जब असेंबली सेशन में नहीं है या जहां पे दो हाउस हाउस है तो कोई भी एक सेशन में नहीं नाउ गवर्नर सेम चीज मैंने बताया गवर्नर बट उस चीज पे ऑर्डिनेंस नहीं इश्यू कर सकते जिस पे उनको पहले एक सेंक्शन चाहिए या वो बिल जो उन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व रखना बहुत जरूरी था कोई एक ऐसा बिल था जो राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व करने की जरूरी था एंड प्लस प्रीवियस चाहिए थे तो उस बिल ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बिल रिक्वायर्ड हिज प्रीवियस राष्ट्रपति जी की सेंक्शन की जरूरत थी नंबर टू या फिर वो वाला बिल जो उन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व करा हुआ है ओके ऑडियंस मींस अ टेम्पररी लॉ मेकिंग पार टेम्पररी लॉ मतलब जब सेशन हाउस में नहीं है उस टाइम पर कोई लॉ लेकर आना है तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था निर्भय केस का नाउ डिस्क्रिशनरी पार ठीक है रिजर्वेशन ऑफ द सर्टेन बिल्स की बिल रख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हाई कोर्ट की पोजीशन इन डेंजर हो रही है तो राष्ट्रपति जी के लिए रखना ही रखना पड़ेगा एक लॉटिक कंडीशन है जहां पर कंपल्सरी है

यहां पर उनको वो बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए और कह सकते हैं कि तीस दिन के अंदर आप अपनी मेजोरिटी शो कीजिए प्लस सरकार बना लीजिए ठीक है तो ऑन द सेम लाइन जैसे यहां पर हमने देखा प्रेसिडेंट के पास पावर थी ठीक है डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री इफ इज कन्विंस डेट ही मेजोरिटी सपोर्ट भाई अगर उनको लग रहा है कि मेजोरिटी लूज हो गई है तो यहां पर वो मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं बट एक केस आया था एस आर बोमई केस एस आर बोमई केस बड़ा फेमस केस है, जिसमें कहा गया था कि भाई आपको फ्लो टेस्टिंग देनी पड़ेगी पहले आप फ्लो टेस्ट तो कराओ फ्लो टेस्ट मतलब जब वोटिंग होगी कि कौन फेवर में है कौन फेवर में नहीं है ठीक है फ्लोर दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग जैसे अभी चंडीगढ़ के मेयर सिलेक्शन हुए उसमें कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अभी तक वो हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है केस तो फ्लो टेस्टिंग जहां पर आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा कि भाई आपकी मेजोरिटी है भी कि नहीं है डेट इज कॉल्ड टेस्टिंग तो बिना फ्लो टेस्टिंग करे आप उनको डिसमिस नहीं करा सकते हैं सो ही सिलेक्ट द चीफ मिनिस्टर इफ नो पार्टी इज द क्लियर कट मेजोरिटी शियल पार जैसे स्टेट में बजट सेंट्रल लेवल पे बजट है ऑन द सेम लाइन स्टेट में बजट जो है वो गवर्नर की प्रीवियस रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं होगा no गवर्नर के बिना नहीं होगी जैसे राष्ट्रपति जी के के केस में था नेक्स्ट वन एंड जो भी उनकी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होगी हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर वन वन टू बजट इज डिफाइंड एज एनुअल फिनेशियल स्टेटमेंट पूरे साल में कितना खर्चा होगा जैसे हमारे घर पर होता है मई महीने का मई महीने में कितना खर्चा होगा और पैसे किस तरीके से मेरे पास आएंगे वही स्टेट सेंटर उसका सरकार का है कि कितना हमारे पास एक्सपेंडिचर होगा और कितना हमारे पास रेवेन्यू आएगा रेवेन्यू कैसे आएगा टैक्स के थ्रू आएगा टैक्स कितने तरह के होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सारे के सारे इकट्ठे होकर क्या बन गए हैं जीएसटी ठीक है उसके बाद डायरेक्ट टैक्स आप भर ही रहे हो इनकम टैक्स डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी टीडीएस ये सब किसके पास जा रहा है सरकार के पास जा रहा है तो नाउ सारी रिपोर्ट गवर्नर साहब उसके स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रख देंगे नाउ ही कॉन्स्टिट्यूट अ फिनेंस कमीशन ठीक है फिनांस स्टेट फिनांस कमीशन स्टेट फिनेंस कमीशन यहां पर बना देंगे वो क्लियर जैसे सेंट्रल लेवल पर है नाउ जुडिशियल पार गवर्नर अपॉइंट द जजेस ऑफ द कोर्ट्स बिलो हाई कोर्ट बिलो हाई कोर्ट क्यों कह रहा हूं मैं सब डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एग्जांपल बिकॉज जो हाई कोर्ट के जजेस है, है वो प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड एक सिस्टम होता है जुडिशरी का उसमें ढंग से करेंगे ठीक है ना ऑन द सेम लाइन्स ऑफ द प्रेजिडेंट वो पारन कर सकते हैं रिप्रेव कर सकते हैं रिमिशन कर सकते हैं कन्वर्टेड अंडर द स्टेट लॉ बट एक बात याद रहे आपको बाकी पार सब सेम है हमने राष्ट्रपति जी वाले केस में किया था पाटन पार par. कोई भी जो डेथ सेंटेंस होगा उसको पाटन करने की पार खाली एन खाली राष्ट्रपति जी के पास है गवर्नर कैन नॉट पाटन गवर्नर उसको खाली कम्यूट कर सकते हैं ठीक है, है? उसमें रिमिशन कर सकते हैं भाई कम कर दिया बट उसको बिल्कुल ही माफ करना है डेथ पेनल्टी को तो वो पार खाली राष्ट्रपति जी के पास है इनके अलावा किसी के पास भी नहीं है क्लियर वन नाउ डिस्क्रिशनरी पार पहले तो अगर कुछ अगर कोई आपको बोल रहा है कि डिस्क्रिशन क्या होता है तो डिस्क्रिशन का मतलब वो, अगर मैं बोलूं तो दैट इज कॉल्ड विदाउट एड एंड एडवाइस भाई आप किसी से बिना एड और एडवाइस के काम करोगे दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिशनरी पार नाउ गवर्नर हैज टू डिस्क्रिशनरी वन इज है कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड इज द सिचुएशनल ठीक है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही मिली है कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी है नंबर वन When they have to reserve the bill for the president, governor can decide on their own without the advice of council of minister. भाई, governor sir के पास bill आया, तो मैंने आपको बताया number one, वो bill पे sign कर दें, bill act बन जाएगा. Number two, withhold, withhold मतलब bill को reject कर दें. Reject कब करेंगे? For example, state में budget आ रहा है, money bill आ रहा है. हमने बताया कि money bill उनकी recommendation के बाद ही introduce होगा. मालूँ उनकी recommendation नहीं ली गई, reject कर सकते हैं. Number three. वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास दोबारा भेज दें कि आप इसे रिकंसिडर करो डेट इज कॉल्ड जो हमने राष्ट्रपति जी वाले में किया था सस्पेंसिव बट मान लो कि स्टेट से दोबारा गवर्नर के पास बिल आ गया तो नाउ गवर्नर इज बाउंड टू साइन द बिल गवर्नर जी को साइन करने पड़ेंगे नंबर फोर गवर्नर जी राष्ट्रपति जी के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं दैट इज अ अंस्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है नंबर टू

टू बी इनफॉर्म्ड भाई उनको सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजि अफेयर्स पता हो प्राइम मिनिस्टर उनको कम्युनिकेट करेंगे आर्टिकल नंबर सेवेंटी एट ऑन से गवर्नर साहब को चीफ मिनिस्टर सारे एक्शन के बारे में कम्युनिकेट करेंगे कि क्या स्टेटमेंट चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है तो दीज आर दाइव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो संविधान में दी गई है ठीक है नाउन दिचुएशनल सिचुएशनल क्या है भाई किसी की भी मेजोरिटी नहीं आई अब चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है ठीक है अब वो किसी को भी बुला सकते हैं यहां पर यहां पर कई बार इसका मिस भी किया गया लास्ट टाइम गोवा में यूज किया किया गया था उसके बाद शुरू हो जाता है डिफेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है जो हमने कहते ना आया राम, गया आराम भाई एमएलए एल ए तोड़ने स्टार्ट कर दिए आपको कि भाई सरकार बनानी है ठीक है अभी आप देखेंगे कि पांच स्टेट्स में इलेक्शन रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा भी कुछ स्टेट्स में नाउ वेन ही हैज टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर नो पार्टी पार्टिक्लियर मेजोरिटी किसी की भी मेजोरिटी नहीं आई तो यहां पर गवर्नर के पास पार है किसी को भी बुला सकते हैं और कहें कि भाई तीस दिन के अंदर अपना मेजोरिटी शो करो और आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ नंबर टू वेन इट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन इन एबिलिटी टू प्रूव कॉन्फिडेंस भाई कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देंगे ठीक है, है, भाई हो गई, तो dissolve हो गी हो गी, तो होगी होगी, यहां पर तो वो डिजोल्व उनको करना ही पड़ेगा नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो संविधान में दे रखी है ठीक है नाउ अब हम गवर्नर के बारे में हमने प्रॉपर से पढ़ लिया गवर्नर टॉपिक में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एंड गवर्नर के टॉपिक में मैंने आपको साथ साथ राष्ट्रपति जी वाला भी रिवाइज करवा दिया है असेंबली अब जैसे वहां पर लोकसभा थी यहां पर असेंबली है ठीक है असेंबली मतलब यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे जैसे अभी पांच स्टेट्स में हो रहे हैं जहां पर वी पार्टिसिपेट पीपल ऑफ पार्टिसिपेट डायरेक्ट इलेक्शन होंगे ठीक है तो यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पांच हो सकती है जैसे अभी चार है हमारे पास उत्तर प्रदेश की मिनिमम सिक्सटी हो सकती है विद एक्सेप्शन फॉर एक्साम्पल गोवा में एक्सेप्शन है सिक्किम में एक्सेप्शन है ठीक है जिसमें चालीस भी, भी हो सकती है तीस भी हो सकती है बट सिक्किम अरुणाचल गोवा कुछ एक्सेप्शन भी हैं बट मैक्सिमम 500 हो सकती हैं और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 403 हैं है उत्तर प्रदेश में नाउ ऑन द सेम लाइंस जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि टेरिटरी कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिपेंड कर रही है फिर हर कॉन्स्टिट्युएंसी से एमपी आता है

हो सकता है ऑन द सेम लाइन जैसे हम एकेडमिक्स में रिजर्वेशन देखते हैं तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट किया गया है एंड मेक श्योर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में वहां से एमएलए आएंगे नेक्स्ट वन एंग्लो इंडियन इसका प्रोविजन तो अब हटी गया है हंड्रेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट से तो इसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है इससे पहले होता था कि जैसे राष्ट्रपति जी दो करते हैं अपॉइंट यहां पर नॉमिनेट यहां पर ये यह एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे नाओ ठीक है असेंबली पॉपुलर हाउस हो गया पॉपुलर हाउस मतलब द लोअर हाउस ठीक है लोअर हाउस जहां पे डायरेक्टली इलेक्टो आ रहे हैं ठीक है जैसे लोकसभा था हमारे पास सेम असेंबली के लिए 25 साल जैसे लोकसभा के लिए काउंसिल के लिए 30 साल जैसे राज्यसभा के लिए थे हमारे पास ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए जो 25 साल का हो जाएगा 30 साल का वो खड़ा हो सकता है असेंबली या फिर काउंसिल में ठीक है जैसे हमारे वहां पर लोकसभा में स्पीकर थे ऑन द सेम लाइन असेंबली में स्पीकर होंगे डिप्टी स्पीकर होंगे ठीक है बट यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन जो होंगे यहां पर कोई वाइस प्रेसिडेंट का केस नहीं है यहां पर अमंग्स द मेंबर भाई जो मेंबर है मेंबर में से ही कोई चेयरमैन होगा बट इन केस ऑफ राज्यसभा कौन थे वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज वो एक्स ऑफिशियल यहां पर चेयरमैन थे यहां पर कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट तो है नहीं कि उनको लगा दिया जाए ठीक है स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ठीक है और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है मान लो यहां पर एक वर्ड है ठीक ठीक है 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 हो गया यहां 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 पर नहीं है, अगर यहां पर पर वर्ड वर्ड नहीं अगर आता अब वेकेंट है vacant का मतलब है कि स्पीकर की पोस्ट भी खाली हो गई डिप्टी स्पीकर की भी तो तब गवर्नर बताएंगे कि कौन सा बंदा यहां पर स्पीकर की ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा क्लियर वन द वेट वन खाली नाउ स्पीकर या चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ठीक है मेंबर्स में से ही आएंगे जैसे हमने किया था कि पहले प्रोटेम स्पीकर आते हैं प्रोटेम स्पीकर मतलब सीनियर मोस्ट मेंबर भाई मान लो कि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होकर रिजल्ट आ गया पहले एक प्रोटेम स्पीकर आएगा जो सभी मेंबर्स को ओ दिलवाएगा प्रोटेम स्पीकर कौन होगा सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ठीक है उसी में से उसके बाद वहां पर आएंगे स्पीकर साहब ठीक है स्पीकर साहब उन्हीं में पार्टी में से किसी बंदे को जो ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके होंगे कौन स्पीकर बनेगा वो स्पीकर आ जाएगा नाउ स्पीकर के नीचे वी हैव अ डिप्टी ठीक है अब आप कहो डिप्टी स्पीकर स्पीकर हरदम तो नहीं बैठे होते तो उसके नीचे दस मेंबर्स का एक ग्रुप बना होता है इसमें से ही किसी को स्पीकर बना दिया जाता है और जैसे सेंटर में होता था स्पीकर डिसाइड करेगा डिफेक्शन के, के केसेस ठीक है स्पीकर डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है कि नहीं बिल है ठीक है जैसे आधार बिल को मनी बिल बनाया गया था उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट एडल्टेट मीनस हर 18 साल से ऊपर का बंदा यहां पर पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शंस में जैसे अभी कर भी रहा है ठीक है द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑन अभी पांच स्टेट्स में इलेक्शन चल ही रहे हैं आप देख रहे हो तो यहां पर स्पीकर का, का काम वही है जो हम सेंट्रल लेवल पे कर चुके हैं ठीक है काउंसिल क्या है ये इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल अभी हमारे पास छह स्टेट्स में है एंड इनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली भाई वन थर्ड ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ हो सकती है मैक्सिमम ठीक है, इनका टोटली totally डिपेंड किस असेंबली के ऊपर ठीक है से कम नहीं होगा और उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है बट ये सब कौन डिसाइड करेगा पार्लियामेंट वन ठीक है देर कैन बी स्टेट्स में अभी हमारे पास है ठीक है आपको स्टेट्स पता हूं यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा दीज लंगाना सिक्स स्टेट्स जहां पर अभी हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड लास्ट जम्मू कश्मीर में अबॉलिश करी गई थी ठीक है पार्लियामेंट में बाय लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट है वो कभी भी इसे क्रिएट भी कर सकती है एबॉलिश भी कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब इसके लिए रेजोल्यूशन आएगा फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टेट क्रिएट कर रहा है पहले वहां पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास होगा उसके बाद वो पार्लियामेंट के पास आएगा अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजोरिटी से क्रिएट करेगी एंड उसके बाद वहां पर काउंसिल क्रिएट होगी ठीक है सो so, यहां पर पहले सीट देगा एक रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद फिर पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से लेकर आएगी एंड रिसेंटली अभी मध्य प्रदेश ने और राजस्थान ने भी डिमांड रखी गई है रखी हुई है है? कि हमारे पर करी जाए, ठीक है? सेम बता रहा हूं स्टेट, ये, ये पहले पहले पढ़ने आपको स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस भाई जो भी टोटल मेंबर्स हैं, उसका मेजोरिटी प्लस टू थर्ड ऑफ द मेंजेंट एंड वोटिंग पहले स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी फिर पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी उसके बाद ही क्रिएट हो सकती है सो अ रेजोल्यूशन मेड बाय द असेंबली फॉर द क्रिएशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट ये भी जरूरी नहीं है कि कल को हिमाचल प्रदेश कह दे कि हमारे यहां पर क्रिएट करो हिमाचल प्रदेश चलो ऑलमोस्ट छोटा स्टेट है एग्जांपल के लिए बता रहा हूं भाई उन्होंने कहा हमारी स्टेट ने पास करके दे दिया पार्लियामेंट इज स्टिल नॉट बाउंड पार्लियामेंट उसे तब भी रिजेक्ट कर सकती है अगर कहा है चाहे तो क्लियर तो ये आपको पॉइंट्स स्टेट पास करेगा फिर पार्लियामेंट उसको करेगा, में भी हमारे पास है। और कि जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस से आ सकता है ऑन द सेम लाइंस जैसे प्राइम मिनिस्टर जी आ सकते थे फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा कुछ बिल्स है में, चार्ट एक बना दिया है आपको यहां पर याद करना आसान होगा

यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में मैं अगर पहले एक आपको एक याद करवाता हूं प्रॉपरली नंबर वन हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर राष्ट्रपति जी आ गए ठीक है बिकॉज हमने जब प्रेसिडेंट के टॉपिक पे किया था कि इनके इलेक्शंस तो हमने देखा था कि सेंटर और स्टेट एमएलए भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्टेड और एम भी पार्टिसिपेट कर रहे थे नंबर टू प्रेजिडेंट नॉट फंक्शन विदाउट एड एंड एडवाइस प्रेजिडेंट को यहाँ पर एड एंड एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकते प्रेजिडेंट इज बाउंड बट गवर्नर इज नॉट बाउंड क्स्टिडेंट प राष्ट्रपति जी ही है जो खाली पार्डन कर सकते डेथ पेनल्टी को कोई और नहीं कर सकता एवरी ऑर्डनरी बिल ऑफ द बोथ सिंगल ज्वाइंट सेटिंग इज प्रेजेंट टू द प्रेजेंट फॉर असेंट भाई कोई भी बिल है जो ऑर्नरी बिल है वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा ठीक है कोई भी बिल जाएगा वो तो क्वाइट ऑबवियस से राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे उसके बाद ही वो एक्ट बनेगा ऑन द सेम लाइंस गवर्नर जी के पास आएगा बट गवर्नर जी के पास एक पावर स्पेशल है कि वो राष्ट्रपति जी के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं ठीक है ये पॉइंट वही है गवर्नर गवर्नर कैन एग्जिस्ट विदाउट एड एंड एडवाइस गवर्नर एडवाइस के बिना रह सकते हैं गवर्नर डेथ पेनल्टी को रिमिट कर सकते हैं कम्यूट कर सकते हैं पार्टन नहीं कर सकते बिल्कुल माफ नहीं कर सकते ठीक है ऑन द सेम लाइंस जो भी ऑर्डनरी बिल होंगे यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पे प्रेसिडेंट वाले केस में सेम गवर्नर वाले केस में गवर्नर के पास एक पार ज्यादा है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेजिडेंट क्लियर एंड जैसे ही वो राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व करेंगे अब राष्ट्रपति जी के पास तीन पार हैं नंबर वन मान लो कि गवर्नर जी ने राष्ट्रपति जी के लिए बिल को रिजर्व कर दिया राष्ट्रपति जी साइन कर दें राष्ट्रपति जी स्टेट के पास फिर भेज दें किस बिल को वो करो ठीक है और अब ये स्टेट दोबारा से राष्ट्रपति जी को भेज दे तो राष्ट्रपति जी बाउंड नहीं है जैसे वो सेंट्रल लेवल पे बाउंड थे यहां पर वो बाउंड नहीं है वो स्टेट की बात माने या ना माने अब उनके ऊपर होगा बात क्लियर वन तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे यहां पर कंपैरिजन के विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डनरी बिल ऑर्डनरी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है लोकसभा या राज्यसभा सेम विधानसभा विधान, विधान परिषद ठीक है उसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी प्राइवेट मेंबर मेंबर अदर देन द मिनिस्टर मिनिस्टर फॉर एग्जांपल किरण भाई जो नहीं है दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट ठीक है नंबर थ्री तीन रीडिंग्स होती हैं इसमें भी तीन रीडिंग्स होती हैं फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग उसके बाद ये पास हो जाएगा जब दोनों हाउसेस से पास होगा लोकसभा और राज्यसभा से ऑन द सेम लाइन जिस जहां पर काउंसिल और असेंबली दोनों हैं दोनों हाउस से पास हो रहा है तो उसके बाद बिल पास हुआ माना जाएगा अगर यहां पर डेडलॉक हो गया तो हमने किया था आर्टिकल नंबर 108 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है एंड यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल से ज्यादा पार दी गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल मैक्सिमम 4 मंथ तक पहली गो में तीन मंथ तक दूसरी में एक टोटल फोर मंथ तक बिल को मैक्सिमम डिले करवा सकती है थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स करवा सकती है कुछ भी प्रोविजन बट अगर इसके बाद भी डेडलॉक रेट हुआ तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी मानी जाएगी और बिल पास होगा डेडलॉक पे ज्वाइंट सिटिंग स्टेट में नहीं होगी इस पॉइंट को मैं पढ़ देता हूं डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज टेक्स प्लेस द लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर रिसीविंग अ बिल पास बाय असेंबली ठीक है असेंबली ने एक बिल पास करा काउंसिल में गया रिजेक्ट बिल और प्रपोजेज अमेंडमेंट डेट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द असेंबली और नॉट पास द बिल विद इन थ्री मंथ में उसके बाद बाद मंथ मंथ और दिया जाता है ठीक है ठीक तो चार के बाद बिल को पास माना जाएगा ठीक है अगर वो असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ है अगर वो बिल ही काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा इस पॉइंट को मैं दोबारा बता देता हूं मान लो कि असेंबली में बिल पास हुआ इंट्रोड्यूस हुआ काउंसिल के पास गया थ्री है, उसके बाद एक मंथ और आता है के लिए मंथ इसके बाद बिल बिल पास माना जाएगा काउंसिल में में आया विधान परिषद पर यह तो जो यहां पर राज्यसभा के पास पावर थी क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑफ हंड्रेड एंड 108. दैट इज अ जॉइंट सिटिंग जॉइंट सिटिंग को कौन प्रेसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन मेक याद होगा आपको चेयरमैन विल नेवर प्रेसाइड द जॉइंट सिटिंग बिकॉज़ चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है स्टेट में अब इस पॉइंट को आप ढंग से पढ़ लीजिए मैं आपको समझा देता हूं पहले, पहले, आपको मैं आप पहले रीड कर देता हूं द असेंबली कैन ओवर राइट द काउंसिल बाई पासिंग द बिल फॉर सेकंड टाइम वन द बिल इज पास बाय द से रिजेक्ट द बिल अगेन एंड amendment अमेंडमेंट दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द असेंबली not नॉट पास द बिल विद इन then मंथ द बिल इज सेट टू बी पास both the houses इन which द असेंबली was फॉर्मड now ये क्या पॉइंट बता रहा है मान लो कि बिल है ठीक है इसे मैं कंपेरिजन करके बताता हूं आपको लोकसभा और राज्यसभा के साथ मान लो कि एक बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा के पास गया छह महीने भाई अगर यहां पर राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट्स करे चेंजेस करे लोकसभा को यहां पर पसंद नहीं थे छह महीने तक डेडलॉक बना रहा देन दिस इज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेटिंग वो अभी तक तीन ही बार हुई है ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता और फिर लोकसभा में जाता तो भी सेम बात थी लोकसभा कैनॉट ओवर राइट राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पार है बट इन केस ऑफ स्टेट मान लो विधानसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ विधान परिषद में गया पहले तीन मंथ तक इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करे, रिजेक्ट कर दिया बिल कुछ भी ओके okay. काउंसिल इनको असेंबली uh, इनको एक मंथ और देगी ठीक है दिस इज वन मंथ कि भाई एक बार आप फिर कंसीडर कर लीजिए मान लो काउंसिल ने फिर रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल पास माना जाएगा दैट मीन असेंबली ओवर राइड लेजिस्लेटिव काउंसिल बट हेयर लोकसभा कैनोट ओवर राइड राज्यसभा में हुआ लो. यहां पर हूं. लो. विधान परिषद में बिल इंट्रोड्यूस हुआ और जो अभी पहले काउंसिल कर रही थी अब असेंबली कर रही है एसेंबली ने तीन मंथ तक इसको रिजेक्ट कर दिया ठीक है एक्सेप्ट नहीं करा तो अब यहां पर काउंसिल ओवर नहीं कर सकती बिल बिकम्स डेड End हो जाएगा बिल का। के पास उंसिल है ठीक है? राज्यसभा पर है खाली मनी बिल के केस में बिकॉज मनी बिल को वो चौदह दिन तक ही खाली डिले करा सकती है उससे ज्यादा नहीं कर सकती उनकी हाँ में भी हाँ ना में भी हाँ और उनके कुछ ना बोलने में भी हाँ होगी ठीक है बट इन ऑर्डनरी केस लोकसभा राज्यसभा है इक्वल बट इन केस ऑफ स्टेट हैज मोर देन मनी बिल खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो यहां पर सेम असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा विधानसभा में ठीक है राष्ट्रपति जी से पूछकर होगा गवर्नर से पूछ के होगा ठीक है खाली मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम इंट्रोड्यूस करेंगी कोई भी मिनिस्टर जो होगा ठीक है ये खाली मिनिस्टर से होगा मेंबर से नहीं नहीं हो ये में राहुल गांधी मैं मैं बिल वो करता हूं, करता हूं 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 इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर भाई बजट सुनाऊंगा ठीक है अब जब बजट वाला बिल मनी बिल जब राष्ट्रपति जी के पास जाता है राष्ट्रपति जी के पास खाली दो ऑप्शन है या तो साइन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे रिजेक्ट कब करेंगे जब उनसे बिना पूछे बिल इंट्रोड्यूस किया है ऑन द सेम लाइन यहां पर इन केस ऑफ द गवर्नर पार्ट गवर्नर के पास यहां पर क्या है या तो उसको हाँ करेंगे या फिर उसको ना करेंगे असेंबली इधर और विदाउट एमेंडमेंट मैक्सिमम चौदह दिन तक डिले कर सकते हैं फोर्टीन डेज तक फोर्टीन डेज से ज्यादा इसको नहीं कर सकते ठीक है लोकसभा कैन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल और रिकमेंडेशन राज्यसभा की वो माने या ना माने सेम असेंबली यहां पर काउंसिल की बात माने या ना माने जैसे उत्तर प्रदेश में बजट आएगा तो ठीक है बिल में अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि ऑर्डनरी बिल जो है ऑर्डनरी बिल में हमारे पास लोकसभा राज्यसभा इक्वल पार मनी बिल में लोकसभा की पार राज्यसभा से ज्यादा है यहां पर असेंबली की पार जो है काउंसिल से ज्यादा है इन केस ऑफ ऑर्नरी बिल मनी बिल में एज इट इज सेम है ठीक the है नाउ द लोकसभा कैन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशन सेम से लोकसभा मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं ठीक है ठीके? अगर नहीं भी माने तो बिल पास माना जाएगा यहां पर भी सेम है बिल पास माना जाएगा चौदह दिन मैक्सिमम है सेम हेयर यहां पर चौदह दिन मैक्सिमम है चौदह दिन से ज्यादा ये बिल अपने पास नहीं रख सकते हैं

इसमें कोई भी डाउट हो तो एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अगर लगता है कि आपको बिल्स में कुछ पॉइंट्स में डिस्कश वो आ रहा है कुछ डाउट आ रहा है तो आप यू कैन शेयर हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है बट बजट ये जो से रिलेटेड है वो बहुत ईजी है ठीक है अभी इस वाली क्लास में मैं खाली ऑर्डनरी बिल मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के बारे में बता रहा हूं फाइनेंस बिल अभी नहीं बता रहा हूं ऑर्डनरी बिल लोकसभा राज्यसभा इक्वल, ठीक है बट लेजिस्लेटिव असेंबली ओवर राइट लेजि काउंसिल विधानसभा विधान परिषद से ऊपर होगी ठीक है छह मंथ तक कुछ नहीं हुआ डेडलॉक ज्वाइंट सेटिंग यहां पर चार मंथ पहले तीन मंथ फिर एक मंथ बट देर इज नो स्कोप ऑफ ज्वाइंट सेटिंग मनी बिल खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा खाली विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा ठीक है राज्यसभा और टिव काउंसिल विधान परिषद मैक्सिमम चौदह दिन तक के लिए उसको डिले कर सकते हैं चौदह दिन के बाद उनकी हाँ ना कुछ ना बोलने में हाँ ही होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि किसी भी हाउस में आ सकता है अनलाइक द मनी बिल मनी बिल खाली लोकसभा में ही आ सकता था या विधान सभा में ही आ सकता था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में आ सकता है एंड यहां पर राष्ट्रपति जी बाउंड है उनको साइन करने पड़ेंगे ठीक है ऑर्डिनरी बिल कोई भी मिनिस्टर लाए या प्राइवेट मेंबर लाए ठीक है मनी बिल खाली मिनिस्टर लाएगा कोई भी प्राइवेट मेंबर नहीं लेकर आएगा प्राइवेट मेंबर अदर देन द मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मेंबर लाए या प्राइवेट लाए, मेंबर लाए या प्राइवेट मेंबर लाए कोई भी इश्यू नहीं है ठीक है प्राइवेट मेंबर लाने की कोशिश नहीं करेगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बिल एक फाइनेंस बिल रह चुका है फाइनेंस फाइनेंस बिल बिल वो हम अपने आने वाले में कर लेंगे, कर लेंगे लेंगे उसे डिस्कस ठीक है सो विद दीज पॉइंट आई एम कंक्लूडिंग टू लेक्चर अब एक बार आप इस लेक्चर से पहले राष्ट्रपति जी को रिवाइज कर लेंगे तो आपके ले लिए गवर्नर बिल्कुल ही लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट बन जाएगा बहुत इजी बन जाएगा एंड ये जितने भी टॉपिक हैं गवर्नर और ये भी टॉपिक जो आएंगे वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एक तरह रट्टाफिकेशन है ठीक है जस्ट आपको एक पिक्चर क्लियर हो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज लिमिट चेयरपर्सन कौन होगा वहां से क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं बिल्स पे क्वेश्चन कई बार डिस्क वो कंफ्यूज कर देते हैं कि मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन पे इनको मैंने आपको बार बार रिवाइज करवाई दिया ऑलमोस्ट तीन बार हम रिवाइज कर लिए हैं इस क्लास में हमने सो so, स्टिल किसी को डाउट होगा तो मैं आपको दोबारा ये समझा दूंगा सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टूडे सेशन एंड विल मीट अप सोन विद अनदर जुडिशरी चैप्टर्स वन टिल दैट टेक केयर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ जय हिंद